हेलो डियर, वेलकम टू कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस बरघाट। कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र डेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो माना जाता है कि जो पतन हुआ है, वो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों के आने से हुआ, इन लोगों ने उसे समाप्त कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राकृतिक आपदा के कारण समाप्त हुई, और कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें सिंधु नदी में बाढ़ गए इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। खैर, हमें ये सब चीजों से उतना महत्व नहीं है। हमें तो बस ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरी सभ्यता थी। उसके विपरीत आप हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता, तो एक पूर्णतः कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, ठीक है। और हाँ, हमने सिंधु घाटी सभ्यता एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की स्टोरी के द्वारा हमने पढ़ा था। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सीक्वेंस में ये अगली सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग मानी जाती है आर्यों के आगमन से, और आर्य कौन है? ऐसा मानना जाता है कि आर्य अरि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विदेशी। इसका मतलब ये है कि आर्य विदेशी लोग थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन आर्य का जो अर्थ मिलता है विभिन्न पुस्तकों में, किसी में श्रेष्ठ मिलता है, किसी में उद्गात मिलता है, किसी में कुलीन मिलता है, किसी में अभिजात मिलता है, और किसी में महान मिलता है। ये आर्य के ही ऐसे नाम मिलते हैं। तो वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं। वैदिक सभ्यता जो है, इसका प्रारंभ हुआ था 1500 BC to 600 BC, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में सभ्यता का उदय हुआ था। इस सभ्यता की बात करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। एक होती है ऋग्वेदिक सभ्यता, एक थी ऋग्वेदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दूसरा काल कौन सा माना जाता है? उत्तर वैदिक काल। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों में बता दूं, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड चला था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक का काल चला था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 600 BC, है ना, 1000 BC to 600 BC। दोनों में क्या अंतर है? ऋग्वेदिक सभ्यता एक प्रकार से बहुत ही व्यवस्थित और अच्छी सभ्यता थी। ऋग्वेदिक सभ्यता में किसी भी प्रकार की कुरूटियां नहीं थी। ऋग्वेदिक सभ्यता में किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता कि ये वर्ण, ऐसा नहीं। वहां वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कैसे? कर्म के हिसाब से थी कि भैया जो व्यक्ति जो काम करेगा वही उसका वर्ण होगा। लेकिन यह चीज वैदिक कल्चर के उत्तर वैदिक काल में कैसे कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। ऋग्वेदिक काल में वंशानुक्रम नहीं मिलता कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा यहां पर, लेकिन इसे यहां हमेशा के लिए कर दिया गया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। यहां पर ऋग्वेदिक काल में महिलाओं के अधिकार सीमित नहीं थे, महिला परिवार की मुखिया भी हुआ करती थी, लेकिन यहां पर उत्तर वैदिक काल में महिला के अधिकार को सीमित कर दिया गया। यहां सती प्रथा के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन यहां सती प्रथा के साक्ष्य थे। कुल मिला के ओवरऑल एक सतयुग वाला सभ्य समाज, बहुत अच्छा समाज था ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेदिक काल पूर्णतः आधारित था ऋग्वेद के ऊपर, ठीक है ना। और देखिए, हमें कुछ याद रखने योग्य बात यहाँ जानना है कि वैदिक कल्चर में कृषि के उतने ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए जो धातुएं, मतलब हमको औजार बनाना रहता है, हल वगैरह, उसके लिए हमें लोहा चाहिए, और लोहे का आविष्कार तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए उत्तर वैदिक काल में कृषि मिलेगी, लेकिन कृषि के बहुत कम अल्प साक्ष्य मिलेंगे कहाँ? ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन, एनिमल वीरिंग, मतलब पशु को चराना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि ऋग्वेदिक सभ्यता के जो लोग थे पशुपालन करते थे, इसलिए उनके स्थायी निवास नहीं थे और बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और एक बात, वैदिक सभ्यता में जो व्यवहार मनी व्यवहार थी वो कमोडिटी मनी कह सकते हो आप, या पैसे या करेंसी कह सकते हैं, वो गाय और सोना होता था। मतलब जैसे अभी हम किसी को पैसे देंगे तो कोई सामग्री मिलेगी, या सोना चांदी देंगे तो सामग्री मिलेगी, ये सोना चांदी एक प्रकार की कमोडिटी मनी है, वैसे उस समय में गाय या सोना चांदी क्या होता था? कमोडिटी मनी, और पैसे किसी भी वस्तु के लेन देन का एक माध्यम बनता था, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो वेद हैं,
वैदिक सभ्यता का आधार वेद है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वेदों के जो संकलित करता है वो है महर्षि कृष्ण देवपाल। अच्छा, वेदों को श्रुति कहते हैं, ये चीज भी याद रखना है। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद सुनकर ग्रहण किए गए हैं। वेद जो है भगवान के द्वारा दिए गए हैं और ऋषि मुनि ने उसको ग्रहण करे हैं वेदों को। और महर्षि कृष्ण देवपायन, किसने? महर्षि कृष्ण देवपायन, इनने इसको संकलित यानी लिपिबद्ध किया है, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेद व्यास, ठीक है ना। वेदों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं, चार हैं। एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। चलो अब हम देखते हैं ऋग्वेद को। ये वेद, एक और चीज याद रखना है, ये ऋग्वेद से ही अन्य दो वेद बने हैं। ये वेद भगवानों के द्वारा दी गए श्रुति हैं, इसलिए इन्हें वेदात्रयी कहते हैं। वेदात्रयी और अथर्ववेद, अथर्ववाद ऋषि ने जंगल में तप करके बनाया था, ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसे इन तीन वेदों से अलग रखा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? वेदात्रय। परीक्षा में पूछता है वेदात्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है, आपको बताना है अथर्ववेद। चल अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद। भैया ऋग्वेद जो है संसार का पहला प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है और संसार का सबसे ज्यादा प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में ही बहुत सारी ऋचाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से उदय हुए हैं सामवेद, यजुर्वेद आदि के, ठीक है ना। अब ऋग्वेद को हमको देखो, ऋग्वेद से कैसे याद रखना है, हमको याद रखना है कि ऋषि ने आयुर्वेद से कोए का उपचार किया। ऋषि ने आयुर्वेद से किसका उपचार किया? कोए का उपचार किया। तो देखो, ऋषि से आता है ऋग्वेद, आयुर्वेद हो गया इसका उपवेद, और आयुर्वेद के रचयिता हैं प्रजापति। आयुर्वेद का रचयिता कौन है? प्रजापति। तो आपको याद रखना है प्रजापति से कि आपके पड़ोस में या आपके कॉलोनी में कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, वो है प्रजापति है, ठीक है ना। तो ऋषि ने आयुर्वेद से कोए का उपचार किया। कोए से याद होता है कोशितकी, इनका ब्राह्मण ग्रंथ, और ऐत्रेय, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है कोशितकी और ऐत्रेय। तो ऋषि ने आयुर्वेद से कुएं का उपचार किया। अच्छा, और एक चीज यहाँ याद रखने योग्य है कि परीक्षा में पूछा था कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, तो हमें याद रखना है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होता है इसे होत्र, होता है इसे क्या हो जाएगा? होत्र। अर्थात ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। क्योंकि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक और चीज याद रखना है कि परीक्षा में पूछता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित देवी सावित्री की स्तुति में गाया जाता है, और ये इसके रचयिता है विश्वामित्र। कौन है रचयिता? विश्वामित्र। किस वेद के? गायत्री मंत्र के, है ना, ऋग्वेद से लिया गया। इसके बाद हमको याद रखना है ऋग्वेद से ही एक प्रसिद्ध सूक्ति ली गई है अस्तोमासद, सिक्स्थ सेवन स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा अस्तोमासद गमय तम सोमा ज्योति गर्मय मृत्योर्मा अमृत गमय, ये आपने सुना होगा। तो ये सूक्ति जो ली गई है कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऋग्वेद की इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगला वेद आएगा यजुर्वेद। हमको यजुर्वेद में याद रखना है युवराज, धन से ताश खेलता है। युवराज है भैया,
पैसा तो धन बहुत होगा, तो युवराज धन से क्या खेलता है, ताश खेलता है। अब देखिएगा युवराज, युवराज से आया यजुर्वेद, धन से आया धनुर्वेद, ये उपवेद है, धनुर्वेद उपवेद है, किसका उपवेद है, हमारे यजुर्वेद का उपवेद। ता से आएगा तैत्रे, सा से आएगा सतपथ, सा से आएगा सतपथ, तो हमको याद रखना है। अब देखिएगा युवराज धन से ताश खेलता था, यजुर्वेद धनुर्वेद तैत्रे सतपथ इसके हो गया, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना, ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहां देखना है, हमको याद रखना है, धनुर्वेद के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र, धनुर्वेद का रचयिता कौन है, विश्वामित्र। तो कैसे याद रखना है हमको, धन धनुर्वेद यानी धन, और विश्वामित्र मतलब विश्वमित्र, तो हमको याद रखना है जिसके पास धन होता है उसके विश्व में मित्र होते हैं, जिसके पास धन होता है उसके विश्व में मित्र होते हैं, ठीक। चलिएगा अब हम इसके बाद में देखते हैं। अच्छा एक और चीज, परीक्षा में कई बार पूछता है कि यजुर्वेद का पाठ करने वाले क्या कहते हैं, तो हमको याद रखना है पानी गिरने से यज्ञ आधा रह गया, पानी गिरने से यज्ञ कैसा रह गया, आधा, आधा मतलब हो गया आपको याद रखने के लिए अर्धवर्यु, आधा मतलब क्या हो गया अर्धवर्यु, तो पानी गिरने से यज्ञ कैसा रह गया, आधा रह गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यजुर्वेद का पाठ करने वाले क्या कहते हैं, अर्धवर्यु कहते हैं। चल इसके बाद आता है सामवेद, सामवेद, सामवेद की बात करते हैं हम, तो सामवेद संसार का सबसे प्राचीनतम संगीत पुस्तिकाओं में से एक है, दुनिया की सबसे प्राचीन संगीत पुस्तिका कौन सी है, सामवेद है। सामवेद जैसे ऋग्वेद में वो ऋचाएं जो यज्ञ विधि में काम आती थी उन्हें यजुर्वेद बना दिया गया, ऋग्वेद की वो ऋचाएं जो गाने योग्य थी उन्हें सामवेद बना दिया गया। और वो सामवेद की बात करेंगे तो पहली संगीत पुस्तिका है, इसलिए इसमें हमारे संगीत साहित्य के जो सात सुर हैं वो भी प्राप्त होते हैं, है ना। और आप सभी लोग जानते हैं सातों सुरों को, सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा पाधानी सा, ये सात सुर होते हैं, ये सातों सुर कहां पाए जाते हैं, सामवेद में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं से लिए गए, अब देखते हैं कैसे याद रखना, हमें याद रखना है सामने पंजे को गंधा किया, भैया साम है उनने पंजे को कैसा कर दिया, गंधा कर दिया, तो साम से हमारा सामवेद, प से आ जाएगा पंचविस, और जैसे जेमनी, ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए इस वेद के, और गंधा से आएगा गंधर्व, गंधर्व वेद, ठीक है गंधर्व वेद। अब हमको ये देखना है कि गंधर्व वेद के जो रचिता है वो कौन है, कैसे याद रखना है, तो गंधर्व वेद के रचिता है नारद मुनि, नारद मुनि, हमको कैसे याद रखना है देखिएगा आप, गंधर्व वेद नारद मुनि, नारद मुनि को सभी जानते हैं, भगवानों वाले सीरियल देखेंगे तो एक भगवान से दूसरे भगवान पास, राक्षस से भगवान पास, भगवान से राक्षस पास चुगली करने का काम कौन करते थे, नारद मुनि। और आप सभी लोग जानते हैं चुगली करना कैसी बात, गंधी बात, कैसी बात, गंधी बात, ठीक है ना। तो नारद मुनि कैसा काम करते थे, गंधा काम करते थे, तो गंधर्व वेद का रचयिता नारद मुनि। और सामवेद का उदय कहां से हुआ है, मैंने बताया था ऐसी ऋचाएं जो गाने योग हैं उसको सामवेद में शामिल कर लिया गया है, किससे, ऋग्वेद से। तो सामवेद का क्या हुआ है, उदय हुआ है किससे, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से सामवेद का उदय हुआ है। तो आपको उदय से याद रखना है, इसका पाठ करने वाले को कहते हैं उद्गात्र, सामवेद का पाठ करने वाले को कहते हैं उद्गात्र, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारा अगला वेद आने वाला है जिसका नाम हम जानते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदात्रय में शामिल नहीं है, इसे अथर्ववेद के कारण बहुत सारी कुरुतियां आ गई थी संसार में, ठीक है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र काली विद्या इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। फिर भी इसे श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद कहते हैं, लेकिन क्यों,
क्योंकि अथर्ववेद में सांसारिक जीवन जीने की कला दी गई है, अथर्ववेद में सांसारिक उपलब्धि कैसे हासिल की गई है यही कला दी गई है, और जीवन के विभिन्न पहलुओं का बेहतर वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, इसलिए इसे श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। जबकि इसी में काली विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब चीज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो अथर्ववेद हमको याद रखना है। अथर्वा ऋषि की गाय का नाम, अथर्वा ऋषि की गाय शिल्पा है। अथर्वा ऋषि गाय कौन है? शिल्पा है। तो अथर्वा ऋषि से आ गया अथर्ववेद, गाय से आ गया गोपथ, और शिल्पा से आ गया शिल्प वेद। ठीक है ना, शिल्प वेद। तो अथर्वा ऋषि का गाय ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और शिल्प से आ गया शिल्प वेद, इसका उपवेद है। किसका? अथर्ववेद का। ये क्या है? उपवेद है, है ना। और शिल्प वेद के जो रचिता है, रचनाकार है, वो है विश्वामित्र। और इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी याद रखने में, क्योंकि शिल्पकार यानी शिल्प बनाने वाले जो भगवान है विश्वकर्मा। ठीक है ना, तो जो बनाने वाले भगवान है, किसी भी आकृति या किसी भी चीज को बनाने वाले भगवान कौन से है? विश्वकर्मा। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे लोहार समुदाय के लोग होते हैं, कोई बनाने वाले समुदाय के लोग होते हैं, वह एक प्रकार से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं, या बहुत सारे लोग विश्वकर्मा के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया शिल्प वेद, मतलब बनाना इसका काम है, विश्वकर्मा का काम है। ठीक है ना, तो ये हमारे वेद हो गए। और अथर्ववेद का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा या ब्रह्म कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा, हमने वेदों के बारे में पढ़ा, वेदों का टाइम पीरियड देखा, फिर से हम दो मिनट में रिवाइज करते हैं। युवराज ने ढंग से ताश खेला यजुर्वेद के लिए था, और यजुर्वेद पानी गिरने से यज्ञ आधा रह गया, तो अर्धवायु उसका पाठ करने वाले। इसके बाद ऋषि ने कुएं से उपचार किया, किस ऋषि ने? आयुर्वेद से कुएं का उपचार किया, तो ये ऋग्वेद का था, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, तो होत्र से हो गया अपना ऋग्वेद का पाठ करने वाले। इसके बाद हम देखे सामू ने पंजे को गंधा किया, और सामवेद का उदय हुआ है, तो उदय से हो गया उद्गात, और इसका पाठ करने वाले क्या हो गया? ब्रह्म या ब्रह्मवेद। हमने वेदों को समझा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यदि ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो बेहतर स्टडी और बेहतर एजुकेशन वीडियो के लिए उन्हें इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बाद दबाने के बाद में जो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है वो भी देखिएगा, आपको ऐसा ही याद करने में आसानी हो, ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। ओके, थैंक यू।